में साधक बनते हुए हमारे सभी भाइयों को ऐसा मंत्र देना है कि स्वावलंबन की ओर स्वदेशी की ओर बढ़े। बहुत ही सत्ता के साथ मैं आमंत्रण करूंगा साधु भाई साहब। आप सभी को मेरा प्रणाम। काफी दूर दूर से पधारे भाइयों और बहनों, मंच पर उपस्थित दीपक जी, आशीष जी और राठौड़ जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो मेरे कुछ मन की बातें जो आप लोग उससे कुछ सीख सको, समझ सके, वो मैं बातें आप लोगों को बता रहा हूं। जब हम कोई भी पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शुरुआत करते हैं। हम सनातनी हैं जिसका कोई अंत नहीं है, हमारी परंपराएं वैज्ञानिक है और बहुत पुरानी परंपराएं हैं। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जो गाय को मां हम कहते हैं, ऋषियों की हम परंपराएं हैं, लेकिन महान तो है इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, लेकिन आज के दौर में जो कुछ चीजें हैं, अगर हम हेल्थ के क्षेत्र में बात करें तो पहले 100 साल 120 साल की उम्र आसानी से जिया जा सकता था, आज हम 100 में से 70 कैसे हो गए? इसका जिम्मेदार कोई हमारे ऋषि मुनि है, हमारे महापुरुष है या हम खुद है? एक विचारने वाली बात, पहले हम खटिया में सोते थे, चंद मिनटों में बिना पंखे के हम गहरी नींद में सो जाते थे, मानसिक विकृतियां भी इतनी नहीं होती थी, जबकि आज के जैसी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज आधुनिक टेक्नोलॉजी चरम पर, जैसे भाई साहब ने बताया, चाहे मोबाइल की हम बात करें, चाहे प्लेन की बात करें, चाहे ट्रेन की बात करें, लेकिन वर्तमान समय में, इस समय हमें किन चीजों की विशेष कर आवश्यकता है? सबसे पहली बात, हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे, हम देश में कुछ नया सृजन कर पाएंगे। दूसरी बात, हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए। जब मन हमारा शांत होगा, स्वस्थ होगा, तो जब स्वस्थ मन शांत मन होगा उसी में ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। अब हम तीसरी बात करते अध्यात्म की। महर्षि अरविंद के बारे में आशीष जी ने काफी बातें बताई। अध्यात्म विज्ञान जो है बहुत सूक्ष्म है। जो हम तिलक करते हैं, हम जो चोटी रखते हैं, उसके पीछे का विज्ञान बहुत बारीक है। हम हमारे मन से, हम हमारे कानों से सुन के उस चीज को जगा नहीं सकते हैं जब तक हम उस चीज का रिसर्च नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, आप लोग बताइए हम तिलक क्यों लगाते हैं? तो लगभग नहीं पता, यही बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इसलिए हम तिलक करते हैं, ज्यादातर यही बातें बोलेंगे। लेकिन आज का विज्ञान कहता है कि भाई यहाँ पर पीनियल ग्लैंड है, और इसमें भी अलग अलग, अगर हम तिलक की बात करते हैं तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा कि कोई खड़ा तिलक करता है, कोई आड़ा तिलक करता है, कोई पीला तिलक करता है, कोई केसरी तिलक करता है, कोई लाल तिलक करता है, उसके पीछे का बहुत अलग अलग विज्ञान है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सर्दी की समस्या बनी रहती है आए समय, तो उसको थोड़ा गर्म प्रकृति का तिलक करते हैं। तिलक विषय बहुत लंबा है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझने के लिए मैं बताता हूं। हमारा देश महान है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन हमसे गलतियां कहां हो रही है? अगर हम मंदिर में जाते हैं, अगर हम पूजा घर में जाते हैं, तो हम पूजा तो करते हैं क्योंकि ऋषियों की या हम परंपराएं हैं और महान परंपराएं समझते हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि उसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है?
अगर हम मंदिर में जाते हैं तो भाई घंट को क्यों बजाते हैं? अगर मंदिर है तो उसका घूमट ऐसा गोल में क्यों बना, और हम जब ध्वनि करते हैं तो आपस में टकराते क्यों हैं? मंदिर में जाके हम बोलते क्या, प्रार्थना करते हैं, पॉजिटिव बातें, वो पॉजिटिव प्रार्थनाएं करते हैं ना, पॉजिटिव अफर्मेशन डालते हैं, बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर आदि आदि अस्तो मासद गमई, जो कुछ भी अपनी अपनी वो चीजें होती है। लेकिन हम घर में क्या करते हैं? हम पड़ोसी की चुगली करेंगे, हमारे परिवार वाले की बिना मतलब का टांग खींचेंगे। हम पॉजिटिव अफर्मेशन को हम हमारे दिमाग में कब दोहराते हैं? रात को हम सोते समय हम क्या देखते हैं? हम सुबह उठते हैं हम मोबाइल में क्या देखते हैं? इससे आप कल्पना करो कि हम कौन सी संस्कृति के हैं। हम राम जी को हम आदर्श मानते हैं, भगवान राम बोलते हैं, हम भगवान कृष्ण को हम आदर्श मानते हैं, हम क्या बन रहे हैं? हम जो सोचते हैं, हम जो देखते हैं, वो हम बनते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अब रात को हम मार काटने वाली पिक्चरें देखेंगे, हम इधर उधर की निंदाएं की बात सुनेंगे, दुनिया भर के हम राजनीति की चीजें गंदी चीजों को देखेंगे सुनेंगे, रात को हमारे अवचेतन मन में क्या होगा? अगर हमने नीम के पत्ते खाके अगर हम सोए तो रात को मिठाई का स्वाद आएगा? तो हमारा दिमाग शांत रहे, हम बढ़िया सी चीज का निर्णय ले सके, हम घर परिवार को कैसा संतुलित बना सके, हम व्यापार के क्षेत्र में क्या अच्छा कर सके, हमारे अड़ोसी पड़ोसी को हम कैसे मदद कर सके। अगर हम अच्छा सोचेंगे तब जाके सर्वे भवन्तु सुखिनः की जब श्लोक बोलते हैं तो वो सार्थक होगा। केवल मंदिर में घंट बजाने से और फॉर्मेलिटी करने से बात नहीं बनेगी। चाहे हम हिंदू बोले, चाहे सनातनी बोले, चाहे भगवान कृष्ण के वंशज बोले, लेकिन जब तक हम उनके गुणों का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक हम उनका नाम लेने के लायक भी नहीं। हम महान कैसे बनेंगे? खाली नारे लगाने से बात बन जाएगी? नहीं, भगवान राम के गुणों को उतारना पड़ेगा। अभी प्रत्येक सनातनी या प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे बैठे, मुझे लगता 90% लोग गाय को आदर्श मानते होंगे, लगभग सभी लोग गोमाता की जय बोलते होंगे। लेकिन आप लोग बताओ कि गाय को माता क्यों बोलते हैं? केवल अध्यात्म से या भरोसा करने से आपका विज्ञान साबित नहीं हो जाएगा। भाई गाय आदर्श क्यों है? अगर आपको किसी भी निकृष्ट विचार वाले व्यक्ति ने कह दिया है भाई ये तो एक जानवर है, तुम गाय को माता क्यों कहते हैं, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? एक विचारने वाली बात है ना। अगर हम हवन करते हैं या वातावरण में कुछ अच्छी चीज फैले उसके लिए हम जो कुछ भी करते धूप दिया तो क्यों करते हैं? एक बात बताओ कि जो अभी फोटो लगा है माता सरस्वती का, तो हमने अगरबत्ती क्यों जलाई? क्या माता सरस्वती को अगरबत्ती की आवश्यकता है? या हम हिंदू इसलिए अगरबत्ती लगाते हैं? उसके पीछे का लॉजिक क्या है भाई? अगरबत्ती हम जलाते क्यों है? हम दिया जलाते क्यों है? हम फूल क्यों चढ़ाते हैं? हमारे शरीर के साथ इसकी कनेक्टिविटी क्या है? आप लोगों को पता है, कभी सोचा इस बारे में कि महान संस्कृति हम मानते हैं लेकिन किस बेच पे महान संस्कृति है? अब हम जैसे स्वरोजगार की बात करते हैं, आशीष जी ने बोला कि आज से पहले के समय में लोग गुलामी करना कोई पसंद नहीं करता था, नौकरी करना सबसे खराब चीज बोली जाती थी। बिल्कुल सही बात है कि व्यक्ति को खुद के पैर के ऊपर खड़ा होना चाहिए, खुद के दिमाग के हिसाब से कुछ बेस्ट सर्जन करना चाहिए। लेकिन आज हम चाहे मंदिर की बात करें, चाहे घर की बात करें, कहीं भी करते हैं, अगरबत्ती
जो जलाते हैं उसके पीछे क्या अगरबत्ती से किसी को फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है? कितने लोगों को स्वास्थ्य की तकलीफ होगी? तो अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? बोलेंगे ये तो क्या विचित्र बात कर रहा है, ये तो एक सोचने वाली बात है कि भाई ये भाई कैसी बात कर रहा है, महाराज होके भी ऐसी बात है, ऐसा आप लोगों को लगता होगा। जब गाय को बढ़ावा देना है, प्रकृति को बढ़ावा देना है, समाज को स्वस्थ रखना है, तो जो कुछ भी हम धूप दीप करते हैं वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। अगरबत्ती कौन बनाता है? कंपनियां बनाती है। अगरबत्ती के अंदर कौन कौन से केमिकल डाले हैं, उसका बेस क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि वो धुआं हमारे भीतर जाएगा तो क्या क्या नुकसान करेगा? तो पूजा में हम लोग, मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, तो हमारा हेल्थ अच्छा रहे भाई, सर्वे भवन तो सुखी ना, सर हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा हेल्थ अच्छा रहे, तो भाई देसी गाय के गोबर का कंडा हो। अपने क्षेत्र में गूगल होता है, वो सालेड़ा बोलते हैं यहाँ की भाषा में, शाही गूगल बोलते हैं भाई, गोबर का कंडा लिया, देसी गाय के गोबर का कंडा लिया, थोड़ा गूगल वगैरह डालो तो वातावरण जो है अच्छा होगा, हम जो स्वास्थ्य भी लेंगे वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ये तो ये देख नेचर से लिया हुआ चीज है, लेकिन जो कंपनियां अगरबत्तियां बनाती है, न जाने क्या क्या चीजें कारियां बनाती है, क्या उसके अंदर वो जड़ी बूटियां डालती होगी कि जो टायर जो एक्सपायर टायर हो गए उनके भूखे कोई तो कहीं पीस के नहीं डाल रहे हैं, या वेस्टेज कचरे कोई तो नहीं वो बना के डाल रहे हैं, और वही तो हम भगवान के सामने नहीं लगाते, ऐसा हो सकता है ना? अगर हम स्वरोजगार की बातें करते हैं तो गाय को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय के गोबर से धूपबत्तियां तैयार हो सकती है, और जितने भी लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, उन लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम केमिकल वाली अगरबत्ती भगवान के सामने नहीं लगाएंगे, हम केमिकल वाला धुआं लेके हम हमारे हृदय को हमारे फेफड़े को खराब नहीं करेंगे। ये शरीर क्या है? ये शरीर भगवान का दिया हुआ एक मंदिर है, इसको स्वस्थ रखना, इसके अंदर अच्छे विचार हो, अच्छे विचारों को जगह देना, ये हमारा परम व्यक्ति का कर्तव्य है। दिया क्यों जलाते हैं? घी का दिया हम जलाते क्यों है भाई? देसी गाय के अगर हम घी की बात करते हैं तो देसी गाय का झूठ जो घी है वो औषधि है, लेकिन आज अगर डॉक्टरों के बात सुनेंगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि घी नहीं खाना, बोलते हैं ना उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे बीपी बढ़ती है, दुनिया भर की बीमारियां होती है। लेकिन एक बात विचार करने वाली है, मैं अगर मैं अपने घर परिवार की बात करता हूं, आज से 25-30 साल पहले अगर बात करता हूं तो लगभग हर घर में गाय होती थी, पैसा कम होता था, आधुनिक सुविधा इतनी नहीं थी, लेकिन लगभग हर घर में छाछ खाने को मिलता था, लगभग मक्खन होता था। मैं देखता था एक कटोरी घी लेते थे, मक्का के बाजरे की जो भी रोटी घर में बनती थी वो चूर के खा जाते थे, लेकिन कभी बीपी की तकलीफ नहीं होती थी, कभी डायबिटीज की समस्या नहीं होती थी। लेकिन आज क्या कहते हैं कि घी खाओगे तो स्वास्थ्य खराब होगा, लेकिन कौन सा है? जैसे हम बात कर रहे थे ना अगरबत्ती और नेचुरल धूप में क्या अंतर है, और वो चाहे वो देसी घी के का लेबल लगाओ या कोई भी, एक बात बताओ, एक किलो घी बनाने के लिए कितना लीटर दूध लगता होगा? कभी सोचा आप लोगों ने? मैं अगर मेरे पास गिर गाय है, 28 से 32 लीटर जब दूध होता है तब जाके 1 लीटर घी बनता है, और मेरे यहां जो दूध होता है वो 70 रुपए लीटर के हिसाब से चौबट में जाता है। आप लोग बताओ कि 1 किलो घी बनाने में मेरा कितना खर्चा हुआ होगा? और अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो 400 रुपए 500 रुपए 1 किलो घी मिल रहा है। आप असली तेल लेने के लिए जाओ, तिल्ली का तेल लेने जाओ, पता चल जाएगा आपको क्या भाव मिलता है। क्या बात है, एक किसान की गाय एक दिन में कितने किलो चारा खाती है, सूखा चारा कितनी खा कितना खाती है,
उसको कितना अनाज देना होता है, उसको कुपोषित से बचाने के लिए कितनी चीजें देनी पड़ती है। और आज किसान के साथ क्या हो रहा है? अगर कोई किसान बोलेगा ना कि मेरा घी तो 1500 रुपये है, मेरा घी तो 2000 रुपये किलो है, तो बोलेंगे ये ऐसा होता है क्या बाजार में 500 रुपये में मिलता है, तुम लोग लूट रहे हो। तो प्रकृति को, पर्यावरण को, गोपालों को कैसे बढ़ावा मिलेगा? मेरे पास मैक्सिमम आज की तारीख में 30 गाय हैं छोटे बड़े मिला के। मैं कैसे चलाता हूं वो मैं जानता हूं, और जो लोग हिंदू हिंदू की ज्यादा बातें करते हैं उन्हें पता ही नहीं कि गोपालों को कैसे मदद करना, जैविक खेती के बारे में कैसे स्वावलंबी बनाना, पेड़ पौधों को कैसे बढ़ाना, बढ़ावा देना। मेरी बात कोई बुरा ना माने, मेरे भाव को समझने की कोशिश करें, मैं किसी की आज जी सोरी में किसी की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे जो दिल की पीड़ा है और जो मैं हकीकत जिन चीजों से मैं साक्षात कर रहा हूं, मैं वो बातें आप लोगों को बता रहा हूं। इसके लिए हमें एक मॉडल बनाने की जरूरत है, और धूपबत्ती को बढ़ावा देना होगा गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से, गाय के घी से, इन सब चीजों से बहुत सारी चीजें बनती है। मैं इस देश में मान के चलो कि 70% राज्यों में मैंने कई सारे शिविर किए हैं, लगभग हर प्रकार की परंपराएं सभी चीजों के बारे में मैंने काफी मंथन किया है, और वो भी निष्पक्ष, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, लगभग मैंने सभी लोगों के धर्मों के बारे में, सभी लोगों की परंपराओं के बारे में काफी समझा है। मैंने निचोड़ निकाला कि घूम फिर के सनातन, अगर मैं गाय के घी की बात करता हूं, 10 ग्राम घी आपके शरीर में काफी कुछ बदलाव कर सकता है। मैं ये किताबें पढ़ के या व्हाट्सएप या ज्ञान रटा हुआ रटी हुई बातें नहीं बता रहा हूं, आप लोग ट्राई करके देखना। लेकिन असली घी, जिन लोगों को एलर्जी होती है कि थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होता है या ठंडा पानी पी लिया है या अलग अलग कोई भी सिम्टम के कारण जी कोई किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, वो व्यक्ति देसी गाय का शुद्ध घी रात को सोते समय 2-2 बूंद नाक में डाल के सो जाइए और दिन में एक बार डालिए, आप कुछ ही दिन में देखोगे कि एलर्जी कहां गायब होने लग गई समझ में नहीं आएगा। देसी गाय का जो घी है वो घी तक सीमित नहीं है, बहुत बड़ी औषधि है और आयुर्वेद में बहुत बड़ा रसायन बोला हुआ है। मैंने बॉम्बे में काफी लंबे समय से काफी घी के ऊपर मैंने काम किया है। ऐसे घी, जैसे बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन की आदत होती है, छोटी छोटी चीज में गुस्सा आ जाना, तनाव में रहना, कुछ समय तो गाय का घी डाल के देखो, देसी गाय का शुद्ध घी, आपके दिमाग में बहुत ताजगी लगने लग जाएगी। जिनकी उम्र 50, 60, 70 की, जिनकी उम्र ज्यादा हो, ठीक से नींद नहीं आती है, वो लोग 2-2 बूंद नाक में घी डाल के देखो, बिल्कुल बहुत अच्छी नींद आएगी। अब ये विचारने वाली बात है कि भैंस और गाय के दूध में और भैंस और गाय के घी में क्या अंतर है, एक सोचने वाली बात है। मैं थोड़ा सा उसको मैं बताता हूं कि एक छोटे बच्चे को आप रास्ते पे रख दीजिए और आप भैंस को छोड़िए तो बच्चे को कुचल के निकल जाएगी, बोलते ना भैंस बुद्धि। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे को रखे और अगर गाय को छोड़ोगे ना, वो कभी पैर नहीं रखेगी। इसका मतलब गाय के अंदर जो सोचने की क्षमता है, जो मेधा शक्ति है, जो वात्सल्य भाव है, जो प्यार है, वो अद्भुत है। इसके लिए क्या बोलते हैं, गौ माता की जय। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, और आप लोगों ने मुझे प्यार से बुलाया और आप लोगों ने मुझे सुना, इस सबके लिए आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि स्वयं बहुत प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, मतलब वो जो करते हैं और जो व्यक्ति करता है वो जो बोलता है वो सत्य ही होता है। उन्होंने